गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ रिंकी चौहान। तो आज आप सोचोगे मैं ये व्लॉग क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी दीदी को सरप्राइज़ दे रही हूँ। मैं जा रही हूँ आज दिल्ली, तो पहले तो मुझे किसी रीज़न से उसको ये तो बताना पड़ा कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, तो पर आज नहीं, कल की डेट बोली है। और क्योंकि उनके यहाँ जाने के लिए थोड़ी सी सिक्योरिटी चेक वगैरह होती है, तो हम ऐसे एंट्री नहीं कर सकते, तो मैंने उसे ये कहा है कि आज ही आएंगे, तो उनकी जो भी मतलब सिक्योरिटी चेक होगा तो उनको फिर अलाउ कर देना, और मैं कल आऊँगी। क्योंकि मैं कल इसलिए आऊँगी, मैंने बोला मेरा कुछ अपना काम है। दूसरी बात, उसको ये नहीं पता मैं दिल्ली क्यों आ रही हूँ, ये तो खैर किसी को भी नहीं पता, बस एक दो लोगों को पता है। तो उसके लिए अनदर सरप्राइज़ है, दो सरप्राइज़ है। पहले तो हम ये पूरा ही कंप्लीट सरप्राइज़ रखने वाले थे कि उसे मतलब ये पता ही नहीं चलता कि मैं दिल्ली आ रही, लेकिन मैंने बताया जैसे कि क्योंकि किसी रीज़न से मुझे उसे बताना पड़ा, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो अभी यहाँ से देहरादून तक पापा मुझे ड्रॉप करें, फिर वहाँ से देखते हैं कि मुझे कौन से टाइम में बस मिलती है। वैसे डब बस तो वॉल्वो तो हर एक घंटे में ही है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मुझे 11 बजे तक की मिल जाए, ताकि मैं वहाँ 4 बजे तक पहुँच जाऊँ, और फिर अजय को ऑफिस ख़त्म होकर फिर वहाँ से हम साथ जाएंगे रिंकी देखिए। तो मैं दिल्ली क्यों जा रही हूँ ये सब भी आपको या तो इस ब्लॉग में पता चलेगा या अगले ब्लॉग में, तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ रिंकी चौहान के ब्लॉग में। 6 आवर लेटर गाइस, मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा सेक्टर 21 हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी 2 घंटे लग जाएंगे आने में, तब तक मैं थोड़ा अपना टाइम पास के लिए यहाँ पे जा रही हूँ। वहाँ पे थोड़ी बच्चों के लिए शॉपिंग करती हूँ, देखते हैं क्या क्या करते हैं। मैंने यहाँ से अकियान के लिए कर लिए हैं शॉपिंग, अब देखती हूँ आलू के लिए आगे से कुछ लेती हूँ, और शायद अब तक मेरा टाइम पास भी हो जाए और अजय भी आ जाए, और फिर हम दीदी को घर पे जाके दें एक प्यारा सा सरप्राइज़। यहाँ से मैंने ली एक बहुत प्यारी सी कुर्ती, टाइम पास करते करते मैं यहाँ पर खाली में लूट रही हूँ, पर बहुत अच्छी अच्छी बहुत प्यारी प्यारी कुर्ती है। मन तो है सारा ले लूँ, लेकिन हस्बैंड से भी मार खानी है मैंने। थैंक यू भैया, बहुत बहुत अच्छा कलेक्शन है ये, तो मैंने बिना बात के ले लिया, पर बहुत अच्छा कलेक्शन, थैंक यू। तो गाइस मैंने DIY से भी शॉपिंग करी, और मैंने ये लिया एक सजाए फॉर्मी ने खरीदा है, और आलू प्लेस के अंदर एक प्यारा सा गिफ्ट है। तो अब मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, मेरे ख्याल शायद आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैंने काफ़ी शॉपिंग कर ली बिना मतलब की, तो मैं जाती हूँ चुपचाप से कॉर्नर में बैठती हूँ, और उसके बाद जाते हैं रिंकी के घर। वैसे रिंकी को अभी बिल्कुल शक नहीं, उसने मुझे कई बार फ़ोन कर दिया है कि हस्बैंड कब तक आएंगे, ये वो सो उनके लिए क्या बनाओ ये बनाओ, तो उसको कोई आइडिया ही नहीं है। तो अभी उसका रिएक्शन देखेंगे हम कैसे। राइस मैंने हल्दीराम से अपने फेवरेट राइस बहुत खा ली है, और इन लोगों के लिए भी रसमलाई ले ली है। तो अभी मेरी सिस्टर ने मुझे फिर से कॉल किया, और मैं क्योंकि पॉमी के यहाँ से कुर्ती लेके गई थी, तो उसने कहा एक और कुर्ती खरीद ले मेरे लिए, और अभी मेरे हस्बैंड का कॉल भी आया है कि मैं पहुँचूँगा। तो अभी हस्बैंड आने वाले, हस्बैंड को उसके बाद जाते हैं पॉमी की कुर्ती लेकर। हस्बैंड मेरे हस्बैंड ने मुझसे मुँह चुराते हुए अजय अजय एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अजय सुना तो, अजय ड्रामा 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 फुल ऑन ड्रामा फुल ऑन ड्रामा ड्रामा ड्रामा। ये मेरे हस्बैंड। तो अब हम जा रहे हैं रिंकी देखिए यहाँ पे, हमने फाइनली सब कुछ कर लिया, मैंने जो यहाँ मस्त टाइम पास किया ना 2-3 घंटे बढ़िया होके, खर्चा कराया और कुछ नहीं। तो गाइज अब हम निकलते हैं 2516 ना, ये हमारी कैब भी आ गई है, तो अब हम जा रहे हैं, और ये है गाइज। मुझसे एक गलती ये हो गई है, दीदी को हल्का सा शक हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी से ऐसे फ़ोन किया कि पहुंच गए अजय, तो उसने कहा नहीं, तो उसने पूछा तू कल कब तक आएगी, तो मेरे मुँह से निकल गया कि कल 11 बजे की बोल रखा है मैंने अजय को कैब ले। फिर उसने कहा तूने तो अजय को सरप्राइज़ रखा है, तो मैंने कहा अरे मैंने ऐसे पूछा था कि कितने कितने बजे की बस है वॉल्वो, तो शायद हो सकता है उसको हल्का सा डाउट हो अब मेरी खुद की गलती की वजह से, पर देखते अभी क्या होता है।
अब निकलते हैं यहाँ से, हमें लगेगा 15 से 20 मिनट और फिर घर पहुँच के देखते हैं दीदी का सबका ही रिएक्शन कैसा होगा। A few moments later. तो गाइज हम पहुंच गए हैं दीदी के यहाँ पे, यहाँ पे एंट्री चेक हो चुकी है हमारी, अब जाते हैं उसका रिएक्शन दिखाते हैं। मैंने आपको कहा था ना दीदी के लिए दो सरप्राइज है, दो नहीं एक्चुअली तीन है, तीसरा ये है कि पहला तो ये था कि मैं कल के जरिए आ जाने वाली, दूसरा सरप्राइज ये था कि हम क्यों दिल्ली आए ये नहीं पता, तीसरा ये है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये इसके लिए सरप्राइज लगता है उसको शक है। कैसा लगा सरप्राइज? हेलो गाइस, ओ शिट यार, उसका रिएक्शन कैसा लगा? जीजू ने तो दरवाजा बंद कर दिया था। अच्छा ये प्लस वन लिखा हुआ, अरे इसमें एक और आया है जिक साथ कि कौन है, मैंने कहा अरे ड्राइवर है। अच्छा कैब लेके आया है अजय, कहाँ गए? मैं छुप गई थी जीजू, जीजू ने ना हाँ वो सब प्लानिंग थी। ये क्यों रोया आज, आप क्यों रोए, क्या हुआ? आज ब्लॉगिंग नहीं करी, मैं कल पिंकी आएगी और ये मेरा ही बना रही है, मैं कहा अजय को बता देंगे। मैंने इसको झूठ बोला था कि अजय को मत बताना कि मैं आ रही हूँ पूरा, और मम्मी पापा ने पूरा साथ दिया, मम्मी के मुंह से निकल रहा था। जीजू ने ना दरवाजा सुन, जीजू ने दरवाजा बंद कर दिया था, जीजू ने दरवाजा बंद कर दिया, मैंने फिर बेल बजाई जीजू ऐसे तभी तो ये इनको पता क्या डाउट था। कोई बात नहीं, कितने दिन से, और पहले तो हम तुझे यही नहीं बता रहे थे कि हम दिल्ली आ रहे, लेकिन तूने जाने वाली बात कर दी ना, नहीं तो तेरे को तो ये था। मम्मी ना कल बोल रहे अरे पिंकी 11 को आ रही, मैंने 11 को नहीं आ रही, 11 को अजय आ रहा, पिंकी 12 को आ रही, कह रही ये जा रहे घूमने, मैंने कहा नहीं नहीं कहीं जा रहे, अजय की वो है। और तेरे लिए दूसरा सरप्राइज, सरप्राइज है हम यहाँ क्यों आए, सरप्राइज यहाँ पे हम क्यों आए? कोई ट्रेनिंग नहीं है, यस, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं ये तुम्हें अगले व्लॉग में पता चलेगा। तो यार मम्मी जो बोल रही थी, मैंने कहा सही बोल रही थी, मैंने मम्मी पर ट्रस्ट नहीं किया, मम्मी कहीं घूमने जा रहे, मैंने कहीं नहीं जा रहे जी की ट्रेनिंग है, नहीं हमारी कल की फ्लाइट है। मैं पूरा कम्प्लीटली बोल, लेकिन तू घूमने की बात करी तुम, नहीं तो यहाँ पे पता चलता भी, तूने कहा ना 14-15 को जा रहे हैं, हमने तो वो भी देखा, मैं कहा तुम लोग आ रहे, मैं कहा छोड़ो, अगर श्रुति बोल रही थी तुम घूमने जा रहे, मैं कहा छोड़, मेरी बहन आ रही है, अजय की भी 5 दिन तक ट्रेनिंग है, तो और तेरे लिए एक और सरप्राइज ये है कि मैंने सुबह से व्लॉग बनाया हुआ, तेरे पता है मैं दिल्ली में कब से हूँ, 3 बजे से हूँ मैं पैसिफिक में, और वो अजय का वेट करते करते जो यहाँ शॉपिंग करी है, कीको आपकी भी करी है, इतनी सारी शॉपिंग करी है हमने, और मैंने वहाँ पे पूरा टाइम पास किया। कश्मीर को छोड़ के कहीं भी जाओ, कश्मीर मत जाओ। तो बताओ अब हम कहाँ जा रहे हैं? मनाली। अजय बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? मनाली जा रहे हो, तो मुझे हंसी आ रही है। मैंने ना व्लॉग आज इसलिए, मैं कल पिंकी आएगी, तो कल पिंकी आएगी तो व्लॉग बनाऊंगी, और ये भी सोचा है क्या क्या करेंगे, और मेकअप चैलेंज करेंगे, पतियों से मेकअप करवाएंगे, पता नहीं क्या प्लानिंग चल रही है 4-5 दिन की।
ये हूँ मैं। ये क्या कर रहे हो? अरे तो मेरा ये प्लान था ना कि मैं ये सब करवाऊंगी। ओह पर तेरे लिए एक दिन का ब्लॉग। अरे ये तो रो गया था, डर गया था। मेरा फोन तोड़ दिया था ना। तुम क्या कह रही? तूने एली को क्या बोला? पहले एली सो के उठी, मैंने कहा एली सुनो आपके मौसा जी आ रहे थे, उनको नहीं पता चला जी कल पिंकी आ रही है। कैसा बनाया मैंने? वैसे मैं इसका हर बार बनाती हूँ, लेकिन ये तो अच्छा सरप्राइज था यार। वो रिंग दी, रस मलाई रख दे उसमें फ्रिज में। ऐसे टेढ़ी रख दी आपने, गिर जाएगी। क्यों गिरेगी जब वो डब्बे में पैक है? डब्बे में यार फिर भी नहीं गिरती, गिर जाएगी वो। मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, गिफ्ट लाई हूँ मैं आपके लिए। करेले बनाया रिंकी दी ने, तो मैं खुद ही मीठा दिला देती हूँ, रसमलाई। नहीं यार शादी के बाद पहली बार आए हैं तो फिर थोड़ा सा ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अरे यार मुझे अभी ऐसा हो रहा था, मैंने करेले बनवा रहे हैं, बताओ यार। कोई बात नहीं, मैं तो खा के आ गई अपने लिए दाल चावल। क्या करके आइये? कीको आपके लिए क्या लेके आए? हाय हाय ये बहुत सही था, ये बहुत सही था। सॉफ्ट चाय ये कौन है? जल्दी जल्दी ये लो। वाह वाह, ओह वाह, यही बड़ा सही था चेन खोल के। ये वही था जो तूने ऑनलाइन मंगाया था, इसी का जो तू इंतजार कर रही थी। ओके अच्छा, ये पापा ने दिलाया था। अच्छा ये कुर्ती मंगवाई थी, सही लग रही है। घंटे की शॉपिंग में शर्ट ये मैंने यहीं से लिया है, लाइफस्टाइल से। ओके तो मैं इसका बिल पे लाई हूं, अगर उसको पिक नहीं है। नहीं बड़ा है साइज, ठीक है ना? इसीलिए वाह ठीक है, वो खुद ले एलो के लिए लाई है वो, कि एलो के लिए स्टोरेज बॉक्स लेके जाना। मतलब सामान रखेगी तो एलो का स्टोरेज। और छोड़ मैम, वहां पे ओ, बढ़िया। अरे वाह, तो उसने तेरे के लिए ये लूज नहीं है? ये तो एक एक दो बार बोले ना, हाँ। तो उसने मुझे रो धो के 500 की दे दी। तब तक पामी को फोन है, मैंने कहा मैंने 500 इतनी बढ़िया कुर्ती कर दी, पामी ने कहा जा वापस मिलने मिले। तो बहन मेरे को भी बोल देती। नहीं मैंने ब्लॉग में बोला है, फिर पामी के लिए लेके आई, फिर पामी को एक और भी पसंद आई थी, 950। हाँ यार अच्छा लग रही है, तो वो इसने 800 की दी है, तो मैंने उसको ब्लॉग में मेंशन कर दिया है, उसको मैंने ले रखा है ब्लॉग में। बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियों का अच्छी लग रही है ये भी। हाँ तो फिर हाँ ये वो देने थे, मैंने कहा भैया मेरे हस्बैंड को आने में भी टाइम लगेगा और मैं इतना महंगा नहीं लेती हूँ, मारेंगे मुझे कि तेरे को यहाँ पे वेट करने को बोला, तो यहाँ पे पैसे खर्च करें। तो मेरी बता मेरी कौन सी है? तेरी कोई भी नहीं है इसमें। मैंने कहा भैया एक बहन तो मेरी उत्तराखंड से दो मंगा दी है और मैं भी ले रही, मैंने कहा ये भी ना जिसका मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना वो आएगी यहाँ पे, वो आपके यहाँ से लेके जाएगी। फिर मैंने कहा तुमने बहुत कम कर दिया, मैंने कहा वो आएगी ना दीदी उसे लेते रहना, जितना लेना होगा मेरे बदले का भी ले लेना। कितनी बदतमीजी लिया मेरे लिए है,
गलत बात है यार, ये बता 500 रुपए बहुत। हाँ मैं तो पे कर दी, इसमें से बोला था यही बात बोली। मैंने कहा भैया पता है जब मैं वहां जाऊंगी तो बोलेगी क्या है, मैंने क्यों नहीं लाई है ये। अब पॉमी में सेक लूंगी मैं। क्यों लेके तू चली जाना, तेरे लिए तो पास कहां पे अंदर। कौन सा 21 वाला? हाँ। अच्छा वहाँ पे नहीं है तुमने? अच्छा मैंने नहीं दिया। तो पसंद कर। अच्छा वहाँ पे कर दी थी। अच्छा मैंने ले रखा उन भैया को भी, और तुझे बता दूँ स्टूडियो के ठीक सामने उनका। अच्छा अच्छा ओके ओके, मेरे को लगा थोड़ा सुन नहीं सही है। और पॉमी ने एलिगेंट शॉपिंग कर दी, ये वहाँ पे वो डीआईवाई में, तो उसे ये बैग अच्छा लगा, उसने ये बैग भी ले लिया मेरे। कितने बैग लेती है वो? के लिए बहुत क्यूट लग रहा है। कौन है लुका? पॉमी नहीं, पॉमी बहुत है वो, बहुत बैग वहाँ से उसने तीन कर ली। एलू कैसा लगा पिंकी मासी को देख के, सरप्राइज कैसा लगा? ये पनी ने दिया आपके लिए स्टोरेज बॉक्स, और मैं भी लाई आपके लिए ये स्टोरेज बॉक्स, और खुद जरूरत है स्टोरेज की। और ये देखो चार कपड़े भी लाए हैं। और एक टॉप है और ये ये देखने का भी जरूर है। और आपके लिए एक सरप्राइज ये है कि पिंकी मासी कल घूमने जा रही है। हाँ। और आपको कहाँ जाना है गंदुड़ू बेबी? नमस्ते कर दो पहले। The next day. Morning guys, तो इस व्लॉग की हम यहीं पे एंडिंग लेने वाले हैं, और दीदी हमारे लिए बना रही है कुछ अच्छा सा नाश्ता, क्योंकि कल एक्चुअली जबकि मैंने इसे नहीं बताया था कि सरप्राइज है, और अजय का भी मैंने इसको डाउट में डाला था हाँ आ रहे नहीं आ रहे, तो लास्ट मिनट बोला आ रहे हैं, तो मैंने करेले बनवाए थे, तो इसको काफ़ी एक गिल्ट में जा रखी है कि मैंने अजय को करेले खिलाए, बट एनी वे कोई बात नहीं, अरे सब खा लो। अभी हम बना रहे हैं पनीर की भुजिया एंड पराठे बनेंगे, क्योंकि लोग थोड़ी देर में निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, तब तक आपको बने रहना है। और फिलहाल हम इस ब्लॉग की भी एंडिंग यहीं पे लेते हैं, तो अगर आपको मेरी बहन का सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को यस ये भी बड़ा, कमेंट में ज़रूर बताना कि सरप्राइज कैसे लगा, इसको भी अच्छा लगा, इसको मैंने गिफ्ट दिया, तो बताना आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, और कमेंट करके बताना सरप्राइज कैसे लगा, और ये भी बताना कि आपने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी को ऐसे सरप्राइज दिए हैं। ये मेरे को देती रहती है। हाँ इसको तो बहुत, ये तो यूज्ड टू है, ये तो हर बार मैं इसको हर बार नए तरीके से इतनी मस्त एक्टिंग करती है, हर बार इसका हो जाता है। पर ये वाला थोड़ा क्यूट सरप्राइज था, वो तो हम ज़्यादातर मैं और पॉमी इसके साथ प्रैंक करते हैं, तो ठीक है, तो इस ब्लॉग को यहीं पैन कर दें, बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।